नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा बिहार में। दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट के चालू हुए लगभग 3 माह पूरे होने को हैं और इस एयरपोर्ट को चालू करवाने में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा था। और अब जबकि दरभंगा एयरपोर्ट चालू हो चुका है तो दिन प्रतिदिन एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है। पिछले दिनों ही दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत शुरू किया गया सबसे सफल एयरपोर्ट साबित हुआ था और एक इतिहास बन गया था। रविवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई जिसमें दरभंगा एयरपोर्ट के डायरेक्टर के साथ साथ स्पाइसजेट के प्रबंधक भी मौजूद रहे। चैम्बर के अधिकारियों ने यात्रियों को आए दिन होने वाली समस्याओं से अवगत कराते हुए कई मांगों को रखा, जिसके जवाब में एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने भी बखूबी उनका जवाब दिया। तो देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको यहां पे देखने को मिलती रहती है। असंभव सारे सुझावों का इसमें समावेश करने का प्रयास किया है। एक दो सुधार उसमें मैं करना चाहूंगा कि जब हम विमानों के खड़े होने की सुविधा जो वर्तमान में एक विमान की है उसको बढ़ाकर 2-3 विमानों के करने की बात कर रहे हैं तो शायद 200 कुर्सी की मांग बिल्कुल अपर्याप्त होगी। कम से कम 400 कुर्सी की व्यवस्था हुए बिना 2 विमानों के खड़े होने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि एक विमान खड़ा होने के कारण प्रायः देखा जाता है कि दूसरे स्थान से आया हुआ विमान पहले विमान के उड़ने तक आकाश में 30 मिनट 35 मिनट 25 मिनट चक्कर अनावश्यक रूप से लगाता रहता है। यह स्थिति भी उससे सुधरेगी। बहुत सारे सुझाव उसमें दिए गए हैं लेकिन कुछ सुझाव ऐसे हैं जिस पर अविलंब कार्रवाई अपेक्षित है, जिसके बिना यात्रियों को घोर असुविधा हो रही है। आप हमें इस बात के लिए तो साधुवाद आपको देना चाहिए कि दरभंगा में जब इस एयरपोर्ट को आपने प्रारंभ किया तो यहाँ की जनता ने आस पास के क्षेत्रों के लोगों ने आपको विमान सफल सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग किया है। शायद आपके क्षेत्र से कहीं ज्यादा यात्री यह क्षेत्र आपको दे पा रहा है, लेकिन उसके अनुरूप जो सुविधा हमें मिलनी चाहिए उसमें कोई कमी है। कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जिनकी ओर मैं विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें अविलंब आपके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है। यात्री जो अपनी गाड़ी से उतरता है उसके बाद वह बरसात के पानी से भीग नहीं सके, यह आपकी जवाबदेही है और इसकी उचित व्यवस्था अविलंब होनी चाहिए। अभी तक एयरपोर्ट का जो रूप से हम लोग विस्तारित करने का सोचा है और जो सुझाव है उसी हिसाब से मैं बोलूंगा, ये RCS एयरपोर्ट का वन ऑफ द मतलब सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है और यात्री का असुविधा हर एयरपोर्ट में है, खाली इस एयरपोर्ट का बारे में नहीं, हर एयरपोर्ट में है। ऐसे RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में ये बहुत मतलब यहाँ का आदमी को मैं बहुत भगवान और लाखी बोलूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा शहर में अच्छा वाइटल शहर में जुड़ा हुआ है। 3-3 बोइंग 737-800 सीरीज के एयरक्राफ्ट जिसमें 190 पैसेंजर जाता है। ऐसे RCS उड़ान में एक सेक्टर को जुड़ता है, यहाँ से मैक्सिमम दरभंगा से रांची, ये तो दरभंगा से कलकत्ता का 72 सीटर एयरक्राफ्ट से जुड़ा जाता था। उस हिसाब से सही में अभी जो विंटर का सीजन में खास करके जानवर में बहुत सारे दिक्कत हुआ, बहुत सारे पैसेंजर फ्लाइट कैंसिल हुआ, पैसेंजर को बहुत दूर दूर से आना पड़ता है। आई रियली फील वेरी बैड जिस दिन एयरक्राफ्ट कैंसिल हो जाता, मेरा मन दुख से भर जाता। मैं क्या बताऊँ कि मैं मतलब उसी दिन मेरे को बहुत लो आ जाते, मैं मतलब अपना कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, दुख लगता है आदमी, मतलब फिर लौट के आता है कोई बहुत दूर दूर से ठंडा में कुहरा में ठंडा से, मतलब मॉर्निंग में बच्चे को लेते हुए फिर वापस चले जा रहा है फ्लाइट कैंसिल होने पर। लेकिन अगले हो सकता है एक साल में कुछ सुधार होगा, हो सकता है एयरफोर्स ने कुछ ILS सिस्टम लगाएगा और नहीं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का इतना डिमांड भी है कि इस एयरपोर्ट को और भी एयरलाइंस चलाना चाहते हैं। तो मेरे ये आशा रखते हैं कि अगले साल मतलब जो विंटर सीजन अभी तो मतलब फ्लाइट कैंसिल होने की उम्मीद कमी है तो ये सब प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व होगा। और ये टेम्पोरारी छोटा सा एयरपोर्ट मेक्सिक अरेंजमेंट है, इसमें बहुत असुविधा है। ये 100 100 100 आएगा, 100 डिपार्चर पैसेंजर के लिए बनाया गया था, उसमें किसी तरह